iPhone 15 Plus खरीदें iPhone 16 Plus, ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हैं। आज हम इन सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ में आपको बताएंगे कि iPhone 16 Plus को लेकर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं। सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे रिव्यू वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में मिलने वाली डिस्प्ले की। तो iPhone 15 Plus एंड iPhone 16 Plus दोनों में ही आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है, जो OLED डिस्प्ले है, और स्क्रीन साइज आपको 6.7 इंच का दिया गया है। एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हम शेयर करें तो दोनों को लेकर हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डिस्प्ले के लिहाज से iPhone 16 Plus थोड़ा सा बेटर साउंड करता है। थोड़ा सा डिस्प्ले में आपको जो है ज़्यादा ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो iPhone 16 Plus के डिस्प्ले को हम प्रेफर करेंगे कि यूज़र्स को इसको ख़रीदना चाहिए। और हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है कि जब हमने सनलाइट में इसको यूज़ किया या हमने ऐसी जगह पर यूज़ किया जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बावजूद भी हमें डिस्प्ले को लेकर कोई भी परेशानी नहीं हुई है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका टच सैम्पलिंग रेट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में टच बहुत अच्छा है। गेमिंग करेंगे, कुछ भी आप यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, तो भी आपको डिस्प्ले को लेकर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों में से डिस्प्ले को लेकर नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो हम सीधे तौर पर इतना बता सकते हैं कि आपको, अगर आप 15 प्लस को देखेंगे तो इसका वेट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। iPhone 16 प्लस तो एक्सट्रीम लाइट स्मार्टफोन है, कैरी करना बहुत ईजी है क्योंकि वेट इतना कम है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी थिकनेस। बहुत पतला स्मार्टफोन iPhone 16 प्लस, लेकिन iPhone 15 प्लस को अगर हम कंपेयर करें तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा इसमें जो है देखने को मिलता है कि आपको भारी भी मिलता है, यानी वेट ज़्यादा है, और इसके अलावा डिज़ाइन भी जो है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो iPhone 16 Plus ज़्यादा बेटर साउंड करता है। और अगर हम बात करें कि इसके जो बैक पैनल को, क्योंकि iPhone में बैक पैनल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, तो दोनों में सेम बैक पैनल आपको मिलता है। कलर इन्फ्यूज्ड ग्लास बैक पैनल का यूज़ किया है एप्पल ने, तो दोनों में जो है बैक पैनल को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली। लेकिन बैक पैनल पर जो कैमरा सेटअप है उसको लेकर के आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर कैमरा सेटअप जो आपको दिया गया वो इस लिहाज से दिया गया, और यहाँ पर आपको क्रॉस, यानी जो पुराने वाला कैमरा सेटअप था 15 प्लस में, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन की ऐसी क्या खासियत है, तो जो हम सबसे पहले आपको बता दें, इसमें आपको कैमरा कंट्रोल बटन दिया जाता है। कैमरे की बात तो अभी हम आपसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कैमरा कंट्रोल बटन की कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। कैमरा कंट्रोल बटन का सीधा सा मतलब है कि जब भी आप स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे, फोटोग्राफी यूज़ करेंगे, तो आप यहीं से ही पूरा कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग फीचर्स, एपर्चर, या अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो भी आप यहीं से ही कैमरा को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, स्पेशली कैमरा कंट्रोल बटन को लेकर के, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो ऐसे यूज़र जो लैंडस्केप में ज़्यादा वीडियो शूट करते हैं, यानी क्रिएटर्स हैं, तो उनके लिए तो ये कैमरा कंट्रोल बटन फिर भी एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं, यानी इंस्टाग्राम के लिए रील्स ज़्यादा शूट करते हैं, या ऐसे आप पिक्चर क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा हमें कैमरा कंट्रोल बटन अनकंफर्टेबल फील करवाता है, क्योंकि इसमें हमें टच भी बहुत बेटर देखने को मिलता है। जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब आप फ़ोन को ऐसे होल्ड करेंगे तो आपके लिए यहाँ से कैमरा कंट्रोल बटन को यूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हमने जब भी इस ऑप्शन को यूज़ किया तो पोर्ट्रेट मोड में हमने इसके डिस्प्ले की मदद से ही कैमरा को यूज़ करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझा। यानी अगर आप 15 प्लस और 16 प्लस के बीच में एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं तो कैमरा कंट्रोल बटन का देखने को मिलता है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपको कैमरा कंट्रोल बटन वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि iPhone 15 प्लस से भी आपके सारे कैमरा कंट्रोल को लेकर के काम होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा की। तो आपको हम पहले ही बता दें, रियर कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का ही मिलने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन्स में। दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। यानी अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फोटोग्राफी को लेकर के, तो आपके सामने पिक्चर सैम्पल्स हैं, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है iPhone 15 Plus की पिक्चर आप iPhone 16 Plus की पिक्चर आप देख रहे हैं। अगर आप इंडोर में शूट करेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नाइट मोड में शूट करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन भी कोई सर्च कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका iPhone 15 लेने के बाद, यानी ख़रीदने के बाद भी काम आसानी से हो सकता है। तो कैमरा को लेकर बहुत ज़्यादा इनोवेशन तो नहीं देखने को मिला है एप्पल की तरफ से, लेकिन सेल्फी कैमरा, फ्रंट कैमरा, यानी उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। आईफोन 16 प्लस का कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 15 प्लस, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। यानी ऐसे यूज़र्स जिनका बजट कम है और आप कोई बड़े साइज़ का स्मार्टफोन यानी आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आईफोन 15 प्लस आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की स्पीड की यानी परफॉर्मेंस की, तो आपको हम पहले ही बता दें आईफोन 15 प्लस में आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है और आईफोन 16 प्लस में आपको A18 बायोनिक चिप दी गई है। न्यूरल इंजन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि आईफोन 16 प्लस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रही है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 15 प्लस, लेकिन आईफोन 16 लॉन्च होने के बाद इसके प्राइस रेंज यानी आईफोन 15 प्लस के प्राइस रेंज में ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, जिसके बाद यूज़र्स के लिए ये काफ़ी बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन हम पहले ही आपको बता चुके हैं जो एक बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कैमरा कंट्रोल बटन के अलावा, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है जिसकी वजह से यूज़र्स को थोड़ा सा कैरी करने में आईफोन 15 प्लस मुश्किल होती है, लेकिन आईफोन 16 प्लस में कंपनी ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। यानी परफॉर्मेंस, कैमरा, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बेसिक डिफरेंसेस तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। जैसा अपग्रेडेड स्मार्टफोन आईफोन 16 प्लस है भी, लेकिन कोई ऐसा ह्यूज चेंज दोनों में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ खास फीचर्स जो दिए गए हैं। आईफोन 16 प्लस में आपको Apple Intelligence का सपोर्ट मिलता है, आईफोन 15 प्लस में बिल्ट फॉर Apple Intelligence नहीं आपको देखने को मिलेगा। आपको रिंग एंड साइलेंट स्विच देखने को मिलता है और इसमें आपको एक्शन बटन देखने को मिलता है, यानी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिहाज से, लेकिन आप इसमें आपको रिंग एंड साइलेंट स्विच ही देखने को मिलेगा। यानी आप इसकी मदद से फ़ोन को साइलेंट या जैसे भी हम पुराने स्मार्टफोन्स में देखते थे आईफोन में तो वो ऐसा ही देखने को मिलता था, लेकिन एक्शन बटन की मदद से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दोनों के प्राइस भी बता देते हैं, जिसकी मदद से आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि आपके लिए स्मार्टफोन कौन सा बेटर है। डिफरेंसेस तो आपने दोनों के बीच में देख ही लिए कैसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं आपको। अगर आप आईफोन 16 प्लस का बेस वेरिएंट यानी 128GB स्टोरेज के साथ खरीदेंगे तो आपको 90,000 ऑलमोस्ट पे करने होंगे, और अगर आप आईफोन 15 प्लस पर जाते हैं बेस वेरिएंट यानी 128GB स्टोरेज को खरीदना चाहते हैं तो आपको 65,000 ऑलमोस्ट खर्च करने होंगे, यानी 25,000 रुपये का दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कहा जा सकता है कि ऐसे यूज़र्स के लिए आईफोन 15 प्लस बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है जो फ़ोन पर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उनका मोटिव है कि वो अपने डेली यूसेज में जो है उसको यूज़ कर सकें, यानी जो आपके डे टू डे टास्क हैं उसको कंप्लीट कर सकें। तो कहा जा सकता है कि आईफोन 15 प्लस एक बहुत बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई अपग्रेडेड स्मार्टफोन चाहते हैं, हल्का स्मार्टफोन हो, थोड़ा सा स्टाइलिश हो, बिल्कुल नया स्मार्टफोन हो, तो आईफोन 16 प्लस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। आपको आईफोन 15 प्लस और 16 प्लस में से कौन सा बेटर ऑप्शन लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।